और अब खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने मार्च किया है। संसद से विजय चौक तक मार्च के बाद विपक्षी नेताओं ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और संसद में बहस नहीं होने देने, सवाल पूछने से रोकने का आरोप लगाया। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती है। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।